तो ये आपने जो पहले भी बताया था कि जल लिया जाता है और उससे किया जाता है, तो ये लामा फेरा हीलिंग में जल का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में आप बताइए। लामा फेरा जल जो टेक्निक है ये फुल मून के दिन किया जाता है। फुल मून के दिन जो है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है और हम उनको हीलिंग करने नहीं जा सकते, जैसे कोई आईसीयू में भर्ती है, जी ठीक है, और हम वहाँ पे नहीं जा सकते, और हम वहाँ पे क्या चीज़ें हो जाती है कि हम डिस्टेंस से तो हीलिंग कर लेते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि हमें जल इसलिए देना होता है क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि बुरे बुरे स्पिरिट की एनर्जी का प्रभाव होता है या फिर कुछ बुरी आत्मा का प्रभाव होता है, उनको दूर करने के लिए हम जल बनाते हैं, और वो जल जो है हम उनको दे देते हैं, क्योंकि वो जल जो बनता है ना पूरा रात भर जो है ना फुल मून के टारगेट में होता है, मतलब तो 24 घंटे पूरे रखे जाते हैं वहाँ अच्छा पे सिम्बल्स ड्रॉ करके जल बना के। वो जल मतलब एक गंगा जल के समान काम करता है, जैसे गंगा जल का पानी काम करता है, जैसे गंगा जल के समान काम करने वाला जो होता है ना लॉट ऑफ बुद्धा का जल काम करता है। जब हम उन इंसान को पीने के लिए देते या फिर नहीं पीते, अगर उसके ऊपर हम बॉडी के ऊपर थोड़ा सा छिड़क भी देते तो इंसान को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से जो भी नेगेटिविटी है नकारात्मक एनर्जी वहाँ से भागना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि नहीं हम घर पे मेरी कंडीशन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तब हम उनको ये जल प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि आपके घर पे जो भी नेगेटिविटी नकारात्मक शक्ति का जो भी प्रभाव बहुत ज़्यादा हो चुका है उनका कम हो जाए, क्योंकि जब ज़्यादा प्रभाव हो जाता है तो अननेसेसरी लोग ऐसे ही बोलते कि हमें करवाना तो है पर पैसे नहीं है, होने के बाद भी कहते कि हमें करवाना तो है हमारे पास पैसे नहीं है, तो वह एनर्जी करवाने नहीं देती। इसलिए अच्छा काफ़ी लोगों से के साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी है जिनके घर पे भूत प्रेत काफ़ी टाइम से थे, उनको पता था पर तो भी कह रहे थे कि हमसे इतने पैसे नहीं है हम नहीं कर सकते, तो हमने उनको जल प्रवाहित दे दिया। उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें मांगी थी कि जो चीज़ हमें दे दो कि जहाँ से इसका असर कम हो, तो हमने गंगा जल मतलब जैसे कि हमने जो है ये लॉट ऑफ बुद्धा के जो जैसे कि हमने जो जल प्रोवाइड किया था तो उनसे चीज़ें ठीक हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा जी रिजल्ट है जल का। आप अपने लिए अपनी हेल्थ के लिए भी ले सकते हैं, अपने कुछ भी काम के लिए आप जल ले सकते हैं। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप ये जल पी सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप काफ़ी टाइम से नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, कहीं आपसे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, या फिर काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्थ ख़राब है, या फिर फाइनेंशियल में दिक्कत है, आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ लाइफ में वो सक्सेस मिले पर नहीं हो पा रहा है, तब ये जल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा यस, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आपका रहा हो जो आपने किसी को ये लामा फेरा टेक्निक यूज़ करके ठीक किया हो, या इसके रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आप हमें बताइए। लामा फेरा के ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं कि ऐसे एक नहीं कहा जाएगा कि लामा फेरा एक्सपीरियंस हम मेरा, जैसे अगर बहुत बड़ा वाला कहा जाए तो जैसे कि एक पेशेंट था, काफ़ी उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनका एक्सीडेंट हो चुका था, जैसे डॉक्टर ने कह दिया था कि उनकी पैर को काटना पड़ेगा, पैर उनके अच्छा दोनों के दोनों जो है ख़राब हो चुके थे। तो वैसे वक्त पे जो हमारे मतलब फैमिली क्लाइंट से था तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति हो चुकी है आप कुछ करिए, तो लामा फेरा डिस्टेंस हीलिंग करना स्टार्ट कर दी थी। लामा फेरा डिस्टेंस हीलिंग के बाद भी जो है ना जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजल्ट उनका वैसे ही था। अभी जहाँ तक ध्यान में एक थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि क्या चीज़ अड़क रही है कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही, तभी फिर याद आया कि नहीं इनको जल देना ज़रूरी है। तो अच्छा जल देने के बाद जो है डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर ठीक है उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है थोड़ी सी एनर्जी है उनमें तो नहीं करना पड़ेगा, वो थोड़े से बोलते ना कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन से चीज़ें दोनों के दोनों पैर ठीक हो जाएंगे। अच्छा तो उनका कुछ घुटने का ऑपरेशन चला और दोनों घुटने जो है अभी ठीक है और पैर भी ठीक है, और उनका ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा सा ठीक होने के लिए समय लगा, मतलब ठीक होने के बाद भी मतलब ऐसे कहा जाता है कि ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी हीलिंग टेक्निक जो है 3 महीने तक चली, अच्छा तब जाके वो थोड़े से बोलते ना कि अपने पैर पर खड़े हो पाए और अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है अभी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेते हैं। अगर एक दूसरा अनुभव बताओ कि स्पिरिट एनर्जी में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम करती है। जी एक घर का वास्तु था जहाँ पे स्पिरिट एनर्जी अवेलेबल थी, और जब मैं वास्तु करने के लिए गई थी तो उसने मेरा हाथ ही पकड़ लिया था स्पिरिट एनर्जी स्पिरिट ने। एनर्जी ने। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम था, नॉर्मली फर्स्ट टाइम पता नहीं होता ना कि इतनी एनर्जी है यहाँ पे, जी फर्स्ट टाइम था, फिर तो उसके बाद तो फिर कोई हाथ नहीं पकड़ पाया। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम था कि जिसने मेरी एनर्जी ने हाथ पकड़ लिया था, तब ऐसी चीज़ होगी कि अभी क्या करें, तो तब ये जल का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, पर एक्चुअली ऐसी चीज़ें रोकी गई थी स्टार्टिंग में कि काफ़ी बार 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 मेरा हाथ पकड़ लेना, मतलब जब भी सिम्बल्स ड्रॉ करो हाथ पकड़ लेना, मतलब यहाँ तो तक ये था कि किस तरह हाथ से आपको फील हो रहा था कि आपका हाथ कोई रोक रहा है, जकड़न बहुत मूव ज़्यादा, नहीं कर जकड़न पा रहे थे आप हाथ? मूव नहीं कर पा रही थी, और कहीं ना कहीं स्पिरिट एनर्जी पहले से ही दिखती थी तो चीज़ें फील हो जाती थी किसी ने पकड़ रखा है और कोई है जो पकड़ रहा है, नॉर्मली चीज़ें दिख जाती थी, मतलब जो अच्छा इंसान था वो पूरा दिख जाता था कि वो जो एनर्जी जो स्पिरिट एनर्जी की वो कैसी है करके। तो काफ़ी ऐसे थोड़ा सा भयानक वाला सीन रहा कि जब करने के लिए गई तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, और जब भी मैं चले जाते थे, ऐसे नहीं कि एक बार करने के बाद चीज़ ठीक हो जाती है, बार बार जाना होता है आपको, क्योंकि 3 हीलिंग्स की ज़रूरत होती है कम से कम। अच्छा अगर आप मिनिमम किसी के घर पे जा रहे हो तो 3 दिन की हीलिंग्स ज़रूरी होती है,
तीन दिन के हीलिंग्स में, जैसे थर्ड जो हीलिंग्स होती है तभी जाके जो है आपको चीज़ों को लेके रिमूव मिलते हैं। घर पे नारियल रखा जाता है, नारियल और नींबू का इसका उपयोग होता है। घर पे नारियल रखा जाता है, नारियल जो है काला हो जाता है अगर घर पे स्पिरिट एनर्जी रही तो। अच्छा, अंदर से पूरा, अंदर से पूरा काला हो जाता है। तो ये सब जैसे कि हमारे, जैसे कि हम जब भी हीलिंग्स करते हैं तो नारियल को और नींबू को जो है हम पीपल के झाड़ के पास जाके रखा आते हैं कि वहाँ से फिर से एनर्जी हमारे पास ना आए कहीं ना कहीं। फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ज़्यादा करके अगर हमारा, जैसे बोलते हैं ना कि कहीं कहीं जो लोग जो है पीपल के झाड़ के नीचे रख नहीं पाते तो उनको हम सीधा कहते हैं कि जहाँ पे भी महाकाली का मंदिर है वहाँ पे जाके रख के आ जाए। अच्छा, कि जहाँ से आप लोगों को हार्म ना हो, हमें हार्म ना हो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे एक क्लाइंट ने ऐसे कर दिया था बीच में कि वो रख नहीं दिए थी चीज़ें, उन्होंने क्या किया था कि किसी नाले में जाके फेंक के आया था। अच्छा, वहाँ से और फिर से एनर्जी आ गई, आ गई थी तो फिर कैसे कि मुझे भी परेशान करने लगी रात भर और उनको परेशान किया, वो भी अलग चीज़ें थी। तो उनको भी काफ़ी दिनों तक ऐसे बोलते ना कि उन्होंने भी ऐसी चीज़ें की कि हमने तो गलती की, हम बताए कैसे चीज़ें, तो मुझे पहले दिन ही समझ में आ गई थी। तो फिर बात ऐसी लगी कि उन्होंने मुझे बताया था 28 दिन के बाद कि अभी 28 दिन तक वो खुद भी परेशानी झेलते रहे और आप भी। अब नहीं नहीं मैंने तो एक दिन ही झेल ली थी, फिर मैंने तो अपनी एनर्जी रिमूव कर दी थी, उससे ज़्यादा नहीं करी। तो उनको फिर कैसे कि वो 28 दिन तक परेशानी हुई, 28 दिन के बाद उन्होंने फिर से आ गए, बोलते मैम गया नहीं। मैंने कहा क्या किया था बता दो क्या किया था, तो पहले बताया नहीं, फिर बाद में बता कि मैम मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, तो फिर भुगतो। तो ये चीज़ें ना, फिर तो भुगतो, फिर से वही फिर से प्रोसेस चली, फिर 3 दिन के बाद चीज़ें फिर से ठीक हो गई। तो ये होता है ना कि हमने कोई भी चीज़ों में कार्य में गलती नहीं करनी चाहिए। लामा फेरा एक ऐसी टेक्निक है, नॉट ऑफ बुद्धा की टेक्निक, मतलब तिब्बती पद्धति है, तो जिससे हमें जो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि अवेयरनेस भी रहना होता है। खास करके कॉस्ट्यूम इसलिए दिया जाता है, जो मेरून कॉस्ट्यूम होता है, कि किसी की बाहर की नेगेटिविटी, बाहर की नकारात्मक एनर्जी हमारे तरफ ना आए। अच्छा, इसलिए वो एनर्जी को लेके पकड़ने वाली चीज़ें होती है। नहीं तो अदरवाइज, अगर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, रेकी की चीज़ें देखी होगी, रेकी आपने सुनी भी होगी, तो रेकी में हम कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं पहनते हैं, डिस्टेंस हीलिंग देते हैं। तो डिस्टेंस हीलिंग में क्या होता है कि अगर आपकी तरफ कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, आप हाथ से हीलिंग कर रहे हो, कोई स्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ की नेगेटिविटी आपकी तरफ आ जाती है। अच्छा। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर लेती है। तो जैसे कि यही चीज़ होती है ना कि जब हम लामा फेरा करते हैं तो लामा फेरा में सारे प्रोटेक्शन होते हैं, स्केचू माला होती है, स्केचू माला जो उनके हार्ट चक्र पर रखी जाती है कि उनकी सोल जो है कोई लेके ना जाए, उनकी सोल वहाँ ही रहे। अगर उनके सोल में कुछ और सोल आ चुकी तो वो रिमूव हो जाए, किसी और की सोल आ चुकी तो रिमूव हो जाए। तो इन चीज़ों का पूरा कंसेप्ट जो होता है ना लामा फेरा से, हर चीज़ों का रिलीफ मिलना जो आपको मिल जाता है। जैसे स्पिरिट एनर्जी रिमूव कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकते हैं, वशीकरण रिमूव कर सकते हैं। तो ये टर्म आपने यूज़ किया रेखी, और उसके बारे में हमें बताया, तो ये रेखी और लामा फेरा मतलब एक ही है, और क्या दोनों के उपचार भी एक जैसे ही हैं? नहीं, रेकी और लामा फेरा इसके उपचार एक थोड़े से एक जैसे हैं, बाकी ज़्यादा नहीं है, थोड़े से सिमिलर हैं। ऐसे मैं कहूँगी कि जैसे कि लॉट ऑफ बुद्धा की जो एनर्जी जो है वो लामा फेरा वो डिफरेंट है, और रेकी भी डिफरेंट है। इतना कह सकती हूँ कि सिर्फ सिंबल्स पैटर्न के जो रूल्स जो है वो थोड़े एक जैसे हैं, और सिंबल्स भी एक जैसे नहीं है, सिर्फ सिंबल्स पैटर्न है, और हील करने की टेक्निक थोड़ी सी अलग अलग है, मतलब अलग अलग है पर है थोड़ा, मतलब अगर कहा जाए तो वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट वही है। और जैसे कि रेकी का जो अगर हम कहा जाए तो रेकी आती है डॉक्टर मका उसाई, डॉक्टर मका उसाई जैसे कि वो खुद डॉक्टर थे, नेपाल के बहुत बड़े डॉक्टर थे, पर क्या था कि जैसे कि लोगों के पास अगर पुराने जो अगर लोग जो थे, जो कबीले के जो लोग थे, वो पैसे नहीं दे सकते थे, मतलब उनके पास ये था कि अभी हमने कुछ भी नॉर्मल सा काम कर ले, खेती बाड़ी कर ली, पशुपालन कर ले, उससे पैसे आ गए, बस उतनी चीज़ें थी। अब कैसे हो चुका है कि तब पैसे नहीं थे, अभी कैसे हो चुका है कि इन्होंने जैसे कि जो पद्धति निकाली, जो रेकी पैटर्न जो निकाला, अभी ये था कि जो भिक्षु थे, जो लॉट ऑफ बुद्धा थे, उनको देख के ही चीज़ें उन्होंने क्रिएट की है। खास करके ये गए थे उनके पास, उनके भिक्षु के पास, लॉट ऑफ बुद्धा के भिक्षु के पास, उन्होंने कहा था कि मुझे लॉट ऑफ बुद्धा से मिलना है। अच्छा, तो भिक्षु ने मना कर दिया कि अगर तुम्हें मिलना है तो साधना करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ पे आना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैं बाल बच्चे वाला इंसान हूँ, मैं पारिवारिक इंसान हूँ, मैं ये चीज़ें करने से रहा, और मैं डॉक्टर हूँ, ये चीज़ हो रही है कि मेरे यहाँ पे जो पेशेंट जो है वो इलाज कराने नहीं आते, वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा और आप लोगों के पास आते हैं, तो मैं कमाई कैसे करूँगा। तो उन्होंने कहा कि लॉट ऑफ बुद्धा के पास जो है वो भिक्षु गए, और लॉट ऑफ बुद्धा के पास जाने के बाद उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बताए। तो उन्होंने कहा कि उनको कहो कि मतलब हिमालय पे जाके, नॉर्मली जो है हिमालय के पर्वत में जाके जो है आप मेडिटेशन करके आ जाइए। अच्छा, तो मेडिटेशन करने के लिए गए बर्फ स्थान पे, पहाड़ के ऊपर चढ़े, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करते करते ऐसे हो चुका ना भूख ना प्यास ना कुछ, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता,
और कुछ लेके भी नहीं गए थे, उनको लगा कि उसकी तरह बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे, पर वहाँ पे कोई नहीं था जी। तो कोई नहीं था, तो उन्होंने मेडिटेशन की। मेडिटेशन करने के लिए उनको लगा कि सच में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने साधना की वहाँ पे। और मेडिटेशन करने के बाद ऐसे हो गया कि कुछ खाना ना पीना, और टेम्परेचर इतना हाई होने की वजह से, बर्फ़ इतनी हाई होने की वजह से, एक दिन ऐसे हो चुका कि वो इतनी कमज़ोरी से जो है वहाँ पे गिर गए, और काफ़ी टाइम तक, काफ़ी मेहनत तक वहाँ पे पड़े रहे। फिर कुछ एक सूर्य की किरणें आई और उनके बोलते थे, जैसे बोलते कि थर्ड आई चक्र पे जाके पड़ी, तो थर्ड आई चक्र पे जाके उनके जो ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी, तब उनको बहुत सारे सिम्बॉल जो है विजुअलाइज हो गए, बहुत सारे सिम्बॉल जो है उनके माइंड में क्रिएट होके बैठ गए, तो एकदम से उठने लगे उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से, सूर्य की किरणों की ऊर्जा से वो उठ गए। और एकदम से बोलते ना कि एकदम से हंसते खेलते नॉर्मल ऐसे ऐसे एनर्जी उनकी बन गई थी, ये अच्छे से खा पी के ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अच्छा हाँ, तो अच्छे से जब नीचे आ रहे थे, तो उन्होंने ऐसे एक बोलते ना कि एक उपाय किया कि किसी बच्चे के ऊपर नहीं गया, जैसे जो पीड़ित था, जिनको कुपोषण था, उनके बच्चे के ऊपर हाथ रखा और हील कर दिया उस सिम्बॉल से। उसने बहुत सारे बच्चों को पहले हील करना स्टार्ट किया, तो देखा कि इसका रिजल्ट इतना फास्ट आ रहा है कि सब जो जो है ठीक होते जा रहे हैं, हील होते जा रहे हैं। ऐसे करते करते उसके पास लोगों का आना स्टार्ट हो गया, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे फ्री में उपचार नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं मेरे भी परिवार है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं पैसे लेने चाहिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं भिक्षुक तो हूँ नहीं जी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इन चीज़ों को सिखाना स्टार्ट कर दिया, खास करके तो सिखाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो फिर हमारे जैसे कि भारत में ये चीज़ जो है ना नेपाल से होके यहाँ पे आई है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें जो है पब्लिश हो चुकी, और पब्लिश होने के बाद ऐसी चीज़ें होगी कि अब तो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, रेकी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी, तो हर कोई अपने घर पे जो है उपचार करता है। इनकी डिग्री जो है ना ये 7 degrees तक होती है मास्टर क्लास। अच्छा, जैसे मैंने भी किए पूरी मास्टर क्लास तक 7 degree किए, पर ये ना कि इनके अंदर सिम्बॉल्स इतने ज़्यादा है, पर कैसी चीज़ होती है कि आप जब भी हील करते हो तो हाथ से हील करते हो, और हाथ से हील करते हो तो हाँ जैसे कि हाथ से हील करने के बाद तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी जो बोलते ना कि सिम्बॉल्स में इतनी एनर्जी नहीं है कि जिनके कारण आप बोलते ना कि किसी की ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकते हो। अगर किसी के अंदर ब्लैक मैजिक हो चुका है, स्पिरिट एनर्जी है, तो उनको हार्म हो जाता है। अच्छा, जो रेकी कर रहा है, रेकी कर रहा होता है। आप कभी भी रेकी वालों से कभी बात कर लेना नॉर्मली, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो गए तो वो सीधा बोलेंगे कि हम तो रेकी तो हीलिंग्स कर लेते हैं, बट रेकी के से क्या होता है कि हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं, नेगेटिविटी वाइब्स ज़्यादा आती है, नेगेटिविटी की वजह से हम कुछ चीज़ों को लेकर समझ नहीं पाते, कुछ चीज़ नहीं कर पाते, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, वो कहेंगे कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले की नेगेटिविटी आती है। सामने वाला ठीक हो जाता है उसकी गारंटी होती है, क्योंकि रेकी कॉन्सेप्ट अच्छा है। पर कैसे होता है कि जैसे कि लामा फेरा में क्या होता है कि कॉस्ट्यूम होने की वजह से प्रोटेक्शन दोनों की तरफ होता है, दोनों की तरफ होता है। पर कैसे कि जैसे कि रेकी में क्या होता है कि आप सारी चीज़ें हील कर सकते हो, आपकी नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, आपकी हेल्थ भी ठीक कर सकते हो, पर जो आपकी नेगेटिविटी जो सामने वाले की तरफ जाएंगे, जो आपका मतलब ना जो डॉक्टर है वो ही खुद को लेके जो बोलते हैं ना कि आपको संभाल रहा है, वो खुद डॉक्टर ही ठीक नहीं हुआ तो जी बिल्कुल वो ठीक है। इसलिए कैसे कहा जाता है कि मैं रेकी में थोड़ा कम टाइम एक्सपेंड करती हूँ, रेकी सिखा देती हूँ, रेकी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। पर कैसे कि उसके अंदर भी मैंने एक चीज़ ऐसे रखी है कि अभी अभी चीज़ें कैंडल स्पेल से, जैसे कि नॉर्मली कैंडल स्पेल से आप किसी की हीलिंग्स कर सकते हो, जो एनर्जी रिमूव हो जाती है जिससे आपको हार्म नहीं होता है। डिस्टेंस हीलिंग देना है तो डिस्टेंस हीलिंग अगर आपको देना है तो कैंडल जलाओ, कैंडल जला के उसको हीलिंग्स दो, डिस्टेंस हीलिंग दो, वो काफ़ी आपको जो बोलते हैं ना कि आपको रिलीव करता है और सामने वाले को भी रिलीव करता है। दूसरी चीज़ इसमें आएंगी हम क्रिस्टल रेमेडी। जब सामने कोई आता है तो मैं 7 chakras के क्रिस्टल रख देती हूँ, जो है कि आसपास सराउंडिंग एनर्जी से जो है ना क्रिस्टल से उनको नहीं क्या लॉक कर देती हूँ, तब जाके हीलिंग्स करती हूँ। किसी को रेकी हीलिंग्स करवानी हो तो अच्छा, तो उससे क्या होता है कि सामने वाले की नेगेटिविटी हमारे ऊपर हार्म नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और ये मैंने काफ़ी जनों को जब भी सिखाया तो उन्होंने कहा कि सच में हमको इफेक्ट नहीं आता है, जो भी बुरा प्रभाव जो आ रहा था वो खत्म हो चुका है। इतनी अच्छी रेमेडीज होती है रेकी की। पर कैसे होता है कि अगर आप इसे सिर्फ एक ही बोलोगे कि यहाँ से आप किसी का ब्लैक मैजिक वशीकरण दूर नहीं कर सकते, किसी की स्पिरिट एनर्जी रिमूव नहीं कर सकते, पर लामा फेरा में आप हर चीज़ कर सकते हो, जो भी चाहे वो आप कर सकते हो। रेकी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप डेली जो है ना आपको हील करना होता है, 11 days, 21 days, 48 days ऐसे हील करना होता है। लामा फेरा में वैसी चीज़ें नहीं है। लामा फेरा में क्या होगा कि आज मैंने हीलिंग कर ली, कल दिन छोड़ दिया, फिर से परसों के दिन हीलिंग्स कर ली, फिर एक दिन छोड़ लिया, ऐसे 3 healings पहले होती स्टार्टिंग टाइम पे। अगर 3 healings से काम ना हो तो फिर से 6 healings होती है, 6 healings से काम ना हो तो फिर 10 healings की जाती है। इसमें बस इतने पहले चेक बस करते हैं। इतने ही रूल्स है, इससे ज़्यादा नहीं है, पर वो भी अल्टरनेट डे होकर जो है आपकी हीलिंग्स होती जाती है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने तो लामा फिरा से जो है बाहर के जो जैसे जो फॉरेन क्लाइंट थे जिनकी भी परेशानी थी, तो डिस्टेंस हीलिंग से बहुत सारी चीज़ों की इनको रिमूव कर दिया है। मतलब स्पिरिट एनर्जी हो गई, उनको डर लगना, फेयर लगना,
कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होना कि अननेसेसरी जो उनको डरते हुए ज़्यादा करके देखा है, पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगना, कुछ भी सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरी तरीके से सिचुएशन को लेके फेस किए हुए कस्टमर मिले हैं। अच्छा। तो डिस्टेंस सीलिंग से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। ओके यस, तो बिल्कुल हम इतनी सारी जो जानकारी है हमने आपसे ली लामा फेरा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, रेकी के बारे में, और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है, मतलब पहले मुझे भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, और आपका ये पॉडकास्ट लेने के बाद, जानने के बाद मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो सभी के बिहाफ पे, हमारे व्यूअर्स के बिहाफ पे हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि इसी तरह से आप लोगों की हेल्प करते रहिए, और आज हमारे इस पॉडकास्ट में ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम चाहेंगे कि आप और इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्टिविटी हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आइए, और हमारे व्यूअर्स अगर आपको कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जी ज़रूर, अगर लामा फेरा सीखना है और जैसे कि आपको रेकी सीखना है तो आप सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है इसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से चेक करके जो है आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको जो है, जैसे कि मेरे यहाँ के काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट जो है वो सीख चुके हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, हीलिंग टेक्निक की मदद करेंगे। आप कहीं पे भी किसी भी कोने में बैठे हो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर हो जाएगा। आप कांटेक्ट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें खास करके। और ऐसे ही हम पॉडकास्ट लेके आएंगे हम, और जैसे कि मैक हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, और हम चाहते हैं कि मैक के साथ और बहुत सारे पॉडकास्ट बने, और आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर ऐसे ही बनते रहे। और जैसे कि मैं कहूँगी खास करके कि आपका प्यार, जो इतना प्यार जो हमें मिल रहा है, इसकी मैं कुछ बात ही नहीं कैसे, मतलब जितना बात बोलूँ उतनी कम है। पर ऐसे एक बात कहूँगी कि आप जहाँ पे भी है, जो भी हमें देख रहे हैं, वो सारे खुश रहे और बहुत हंसते रहे और बहुत हैप्पी रहे, और जो जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नमस्ते।